क्या आप जानते हैं दोस्तों ऐसे आदमी के बारे में जिसके शरीर से बिजली उत्पन्न होती हो, यानी ऐसे आदमी जिसके शरीर से कई लाइट के बल्ब जलाए जा सकते हो। अगर नहीं जानते तो मिलिए दोस्तों इन आदमी से, केरल के रहने वाले जिनको राजमोहन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा इन्हें इलेक्ट्रिक मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर में वो पावर देखा जाता है जो दुनिया के किसी भी इंसानों में नहीं देखा जाता। वो सुपर पावर इस आदमी में मौजूद है क्योंकि इनमें इतनी क्षमता है कि आराम से 10 एम्पियर बिजली के करंट को झेल सकता है इनका शरीर, यानी कि इनके सामने 1200 वाट का झटका कुछ भी नहीं है। एक इंसान के लिए तो 1 एम्पियर करंट का झटका ही काफी है मौत के घाट उतारने के लिए, पर इनमें वो क्षमता देखा जाता है। कई बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में ये ऐसे ही चढ़ जाते हैं चाहे उसमें कितनी ही करंट क्यों ना हो। और उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प की बात यह इनका कि आदमी 2 करंट वाले तार को पकड़कर अपने शरीर के किसी भी अंग में टच करके वो बल्ब जला सकता है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर चला सकता है, मिक्सर चला सकता है, यानी वो सारे छोटे छोटे काम अपने शरीर के किसी भी अंग में टच करके कर सकता है। इन्हें किसी प्लग या बोर्ड की जरूरत नहीं होती, आराम से इनका शरीर करंट सप्लाई कर लेता है। जो कि कितना अजीब है ये आदमी देखकर नहीं लग रहा है, पर इस आदमी में इतना सुपर पावर आया कहाँ से, किस मिट्टी से बना है ये आदमी? पता तो इन्हें तब लगा जब इनकी माँ इनसे बचपन में खो गई थी। उसके बाद ये आदमी आत्महत्या करने की सोचे और सीधे एक ट्रांसफार्मर में चढ़ गए, ये सोच कर कि मुझे नहीं जीना। परंतु इन्हें करंट कहाँ लगता है, क्योंकि इनके शरीर में तो ऑलरेडी करंट मौजूद था और वो उस समय बच गए, ये सोच कर कि ये बात सारी दुनिया को बताना है। तब से ये आदमी अपने शरीर के इस पावर को सारी दुनिया को दिखाता है, परंतु अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि इनके शरीर में ऐसा क्या छिपा है जो इन्हें करंट नहीं लगने देता। और ना ही ये बात बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पता है और ना ही कई बड़े डॉक्टरों को पता है, ये तो एक अजूबा ही है। वैसे दोस्तों इस आदमी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और भी इस टाइप की वीडियोस आपको काफी पसंद आते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।